फिक्र आपकी में, अब समय है दो मिनट में देश की नौ बड़ी खबरें दिखाने का। अगले दो मिनट में आप एकदम अपडेट हो जाएंगे। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव प्रचार थमा। 24 विधानसभा सीटों के लिए 18 सितंबर को होगा मतदान। प्रचार के आखिरी दिन गृहमंत्री अमित शाह ने चिनाब घाटी में की 3 रैलियां। उमर अब्दुल्ला के अफजल गुरु वाले बयान पर कहा, आतंकवाद से किसी का भला नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। घोषणा पत्र को हाथ बदलेगा हालात नाम दिया गया। मैनिफेस्टो में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने का वादा किया गया है। अहमदाबाद से पीएम मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा मेरा जितना माखौल उड़ाना है उड़ा लो, अपमान का जवाब काम से दे रहा हूं। प्रधानमंत्री ने नमो भारत रैपिड रेल के साथ 6 वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। आम आदमी पार्टी विधायक दल की कल सुबह 11:30 बजे बैठक। नए मुख्यमंत्री के नाम पर लगेगी मोहर। शाम 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल के साथ बैठक करेंगे। इस्तीफे के साथ विधायक दल के नेता का नाम और समर्थन की चिट्ठी सौंपेंगे। आज पीएससी की बैठक में बनाई गई रणनीति। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में लंबे समय से जारी गतिरोध के बाद हड़ताली जूनियर डॉक्टरों के साथ ममता बनर्जी की पहली मीटिंग। कोलकाता में सीएम के घर पर आज हुई बैठक। मीटिंग का रिकॉर्ड रखने के लिए 2 स्टेनोग्राफर भी डॉक्टरों के साथ मौजूद रहे। सीबीआई को तोता वाली सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ऐसी टिप्पणियां संस्थाओं को निराश कर सकती हैं। संस्थानों के बारे में सचेत रहना होगा, संस्थाएं कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं। वक्फ संशोधन बिल पर सुझाव देने की समय सीमा 12:00 बजे होगी समाप्त। अब तक ईमेल के जरिए 84 लाख सुझाव मिले हैं, लेकिन सुझावों के 70 बॉक्स आए हैं। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने कहा, किसी तरह का क्यूआर कोड जारी नहीं किया गया है, बाहर चलाए जा रहे क्यूआर कोड की मान्यता नहीं। मुख्तार अंसारी की मौत के मामले में मैजिस्ट्रेट जांच की रिपोर्ट से खुलासा, हार्ट अटैक से हुई थी मौत। यूपी सरकार को भेजी गई जांच रिपोर्ट, परिवार वालों ने खाने में जहर मिलाने का लगाया था आरोप। और यूपी में फिर ट्रेन पलटाने की कोशिश। गाजीपुर में रेल ट्रैक पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मिला। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का हॉज पाइप फटा। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हो गई।